आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पैन कार्ड बनाने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सो अगर आप भी अपना या किसी और का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो और आप भी फोटो और सिग्नेचर के साथ ओरिजिनल पैन कार्ड बनाना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पैन कार्ड बनाने के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स में है आपकी फोटो, आपकी फोटो पासपोर्ट साइज में होनी चाहिए, उसके अलावा आपका सिग्नेचर और आपके आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से ही तैयार कर लोगे और इसके बाद अब आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर देंगे NSDL पैन। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपके सामने पैन कार्ड बनाने वाली वेबसाइट आ जाएगी और इसी को आपको ओपन कर लेना है और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आप इससे अपना पैन कार्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां अप्लाई ऑनलाइन को चूज करना है। एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को चूज करना है। कैटेगरी में आप इंडिविजुअल को चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, मतलब आप जिसका पैन कार्ड बना रहे हैं उसकी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर उसका टाइटल सेलेक्ट करना है कि वो पुरुष है या महिला। तो अगर वो पुरुष है तो श्री चूज करेंगे और अगर वो एक महिला या लड़की है तो श्रीमती या कुमारी चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका नेम एंटर कर देना है। अगर उसके नेम में सिर्फ एक वर्ड है तो आप उसे लास्ट नेम या सर नेम में डालेंगे। अगर दो वर्ड है तो आप फर्स्ट नेम डालेंगे और उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। और अगर उसके नेम में तीन वर्ड आते हैं तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और उसके बाद लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे। जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे यही ईमेल आईडी उसके पैन कार्ड में लिंक हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको इस पर टिक करना है, नीचे आना है, आई एम नॉट रोबोट को सेलेक्ट करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके इस एप्लीकेशन का एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो इसे आपको यहाँ से कॉपी करके रख लेना है क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन बीच में रुक जाता है तो आप इसी टोकन नंबर से अपने एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट कर पाओगे और उसके बाद आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट करना होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से सबमिट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर सबमिट स्कैंड इमेजेस थ्रू ई साइन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें एक ओटीपी आएगा और उसके थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली इनके ऑफिस में भेजना होगा। इसके बाद आपको नीचे आकर ये सेलेक्ट करना है कि आपको आपका फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या नहीं। अगर आप यस पर क्लिक करोगे तो आपका फिजिकल पैन कार्ड बनकर आपके एड्रेस पर आ जाएगा। अगर आप नो पर क्लिक करोगे तब आपका पैन कार्ड बन जाएगा लेकिन वो बनकर फिजिकली आपके घर पर नहीं आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डाल देने हैं। उसके बाद जैसा नेम आपका आपके आधार कार्ड पर पड़ा है वो नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपके सामने आपकी एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन आपने टोकन नंबर जनरेट करते समय डाली होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाती है और आप यहाँ से अपना जेंडर चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर आप नो को चूज करेंगे, यहाँ पर भी आपको नो को चूज करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम डाल देना है। आप यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, जितने भी वर्ड आते हैं आपके फादर के नेम में वो आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक वर्ड आता है तब आपको उसे सर नेम में डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने मदर का नेम डाल देंगे और यहाँ पर आपको चूज करना होता है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नेम प्रिंट करना चाहते हैं, अपने फादर का या मदर का। जिसका नेम आप प्रिंट करना चाहते हैं उसका नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। साथ ही आपको यहाँ पर एप्लीकेंट के नेम में यह भी देखने को मिल जाता है कि आपका जो नेम है वो कैसा प्रिंट होकर आएगा आपके पैन कार्ड पर। और सभी डिटेल्स को डालने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार से पैसे कमाते हैं। तो अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं तो आपको यहाँ पर नो इनकम पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ऑफिस एड्रेस नहीं डालना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सैलरी या कोई और इनकम चूज करोगे तो आपको यहाँ पर उसका ऑफिस एड्रेस भी डालना होगा। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन देना होता है, मतलब आपका जब पैन कार्ड बन जाए तो उस बने हुए पैन कार्ड की कॉपी को आपके किस पते पर भेजा जाए वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
आपको यहाँ पर रेसिडेंस और ऑफिस दोनों क्लिक करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप जिस एड्रेस पर अपना पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं अपने रेसिडेंस एड्रेस पर मंगाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अपना रेसिडेंस एड्रेस डाल दूंगा। जैसा एड्रेस आपके आधार कार्ड में पड़ा है वैसा ही एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, तब आपको यहाँ पर ऑफिस को चूज करना है और उसके बाद आप यहाँ पर अपना रेसिडेंस एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर आप अपना ऑफिस एड्रेस डाल देंगे। और उसके बाद जो आपका पैन कार्ड है वो आपके रेसिडेंस एड्रेस पर नहीं आएगा बल्कि आपके ऑफिस एड्रेस पर आएगा। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी डिटेल्स डाल देनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना रेसिडेंस एड्रेस डाल दिया है। आप यहाँ पर अपना हाउस नंबर डालेंगे, अपना विलेज या बिल्डिंग नेम डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, अपना सब डिवीजन या एरिया डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिटी डालना है, इंडिया अपना कंट्री चूज करना है, आप यहाँ से अपना स्टेट चूज करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे और चिप कोड में आपको कुछ भी नहीं डालना होता है। और यहाँ पर मैं अपना रेसिडेंस एड्रेस पर मंगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रेसिडेंस को चूज कर लूंगा। और यहाँ पर मैंने नो इनकम सेलेक्ट किया है इसीलिए मुझे यहाँ पर अपना ऑफिस एड्रेस नहीं डालना होगा। उसके बाद आप नीचे आकर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे। आपको यहाँ पर पहले अपना कंट्री कोड चूज करना है तो आप यहाँ पर इंडिया का चूज करेंगे 91। और उसके बाद आपको एरिया या एसटीडीडी कोड में कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, अपनी ईमेल आईडी दे देंगे और उसके बाद आपको नीचे आके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। साथ ही अगर आप इसी जगह किसी माइनर का पैन कार्ड बना रहे होते तब आपको यहाँ पर यस को चूज करना होता और उसके बाद आपको उसके रिप्रेजेंटेटिव एसईसी की डिटेल्स डालनी होती। लेकिन मैं जिसका पैन कार्ड बना रहा हूँ उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। लेकिन अगर आप जिसका पैन कार्ड बना रहे हो उसकी 18 साल से कम है तो माइनर का पैन कार्ड कैसे बनाते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डाल दी है और इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर ईओ कोड और एरिया टाइप ये सारी चीजें फिल हो जाएंगी, जिसे देखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, मतलब आपकी जो फोटो सिग्नेचर और आपके आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल है उसे आपको यहाँ पर देना होगा। तो सबसे पहले आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड को चूज करेंगे, उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में अपना आधार कार्ड चूज करना है, उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ बर्थ में भी अपना आधार कार्ड चूज करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप डिक्लेरेशन दे देंगे, तो आपको यहाँ पर हिमसेल्फ या हर सेल्फ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहां पर अपने प्लेस का नेम डालेंगे, आप इसमें अपने गांव, कस्बे या शहर का नेम डाल सकते हैं। आपको यहां पर आज की डेट देखने को मिल जाएगी और उसके बाद आप यहां पर अपनी फोटो सिग्नेचर और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। लेकिन इनको अपलोड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका एक क्राइटेरिया होता है। जैसे आपको जो फोटो अपलोड करनी है उसकी यहाँ पर डायमेंशन 3.5 और 2.5 के सेंटीमीटर में होनी चाहिए, साथ ही उसकी फाइल साइज 50 केबी से ज्यादा ना हो और इसी प्रकार सिग्नेचर की भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की जो पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है उसका भी साइज 300 केबी से ज्यादा ना हो। तो फोटो अपलोड करने के लिए आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, अपनी फोटो सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। आपकी फोटो सेलेक्ट हो जाएगी और अपलोड करते ही आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर सेलेक्ट हो जाएगा और अपलोड करते ही आपका जो सिग्नेचर है वो इसमें अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर देना है। मुझे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ से मैं अपने आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करूंगा। ये पीडीएफ फाइल है लेकिन उसमें यहाँ पर पीडीएफ फाइल की तरह दिख नहीं रही है, लेकिन है ये पीडीएफ फाइल ही। और इसे आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, देन आपका जो आधार कार्ड है वो भी इसमें अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर सबमिट हो जाएंगे। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है तो जरूर आपने उसमें कोई चीज नहीं डाली होगी। जैसे आपने सैलरी सेलेक्ट किया होगा तो वहां पर हो सकता है कि आपने अपना ऑफिस एड्रेस ना डाला हो या फिर आपने कोई और भी जरूरी चीज मिस कर दी होगी, इसीलिए आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा होगा। और अब इस पेज में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के फर्स्ट के 8 डिजिट डालने हैं। आपने पहले अपने आधार कार्ड के लास्ट के 8 डिजिट डाले थे,
अब आपको यहाँ पर फर्स्ट के 8 डिजिट डालने हैं, और उसे डालने के बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपने जो जो डिटेल्स इसमें एंटर करी है वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देख जाएगी। अगर आपको इसे सही करना है तो अभी आप इसे सही कर सकते हैं। एडिट के बटन पर क्लिक करके आप अपने इस एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हो अगर कुछ गलत पड़ गया है, अदरवाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा और यहाँ से आपको कुछ पैसे पे करने होंगे। तो आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड में बिल डेस्क को चूज करना है। आपको जितनी पेमेंट करनी होगी वो आपको यहाँ पर देख जाएगी। आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पे कंफर्म पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने पेमेंट गेटवे खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर, वॉलेट, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं क्यूआर से करना चाहता हूँ तो मैंने क्यूआर को सेलेक्ट किया। उसके बाद आप भीम यूपीआई को चूज करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने 106 रुपए और 90 पैसे का एक क्यूआर कोड बनकर आ जाएगा और इसको आपको अपने गूगल पे, फोन पे किसी से भी स्कैन करके इतने रुपए की पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी आपके सामने ये आ जाएगा और यहाँ पर दिखेगा कि आपको 1 मिनट तक इस ब्राउजर में कुछ भी नहीं करना है। अपने मन से इसे ये प्रोसेस किया जा रहा है और उसके बाद अपने मन से एक नया पेज आ जाएगा आपके सामने। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई है। आप नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है। यहां पर आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे देन उसके बाद आप यहां ओटीपी जनरेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उसमें एक ओटीपी जाएगा तो वो ओटीपी आप यहां पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। मैंने यहां पर ओटीपी को डाल दिया है और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे देन आपको अपने एप्लीकेशन को ई साइन करना होगा तो उसके लिए आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको टर्म्स को यहां पर एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आप यहां पर अपना आधार नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उसमें फिर से एक ओटीपी जाएगा तो उसे आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया है और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करूंगा देन मेरा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, मतलब अप्लाई हो जाएगा। अब मेरा जो पैन कार्ड है वो अप्लाई हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक बार अपना पैन कार्ड अप्लाई कर देते हो तो इसे बनने में 3 दिन लगते हैं और 3 दिनों के बाद आपका जब पैन कार्ड बन जाता है तो उसकी कॉपी को आपकी ईमेल पर भेज दिया जाता है और 15 दिनों के अंदर आपका जो फिजिकल पैन कार्ड होता है वो बनकर बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर आ जाता है। अगर आप चाहें तो आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो इसमें आपकी सारी डिटेल्स मौजूद होगी जो जो आपने यहाँ पर सबमिट की है। साथ ही जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना होता है और जो इसका पासवर्ड होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे बिना किसी साइन के और उसे डालने के बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे देन आपके सामने आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मैंने फॉर्म अभी अप्लाई किया है और साथ ही आपको इस फॉर्म में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है और इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक भी कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड अभी बनाया गया है या नहीं और अगर बन गया है तो वो कितने दिनों के अंदर आपके पास आ जाएगा, वो सब चीजें आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से देख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा होता है और इसीलिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके बाद अगर आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक करना चाहते हैं तब आपको 1 दिन के बाद इस वेबसाइट पर आना होगा। आप यहां पर इसे फिर से ओपन करेंगे और यहां पर आपको नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहां पर एप्लीकेशन टाइप में पैन या न्यू चेंजेस को सेलेक्ट करना है और जो आपके एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट नंबर था उसे आपको यहां पर डालना है। ये कैप्चा आपको यहां पर डालना है और इसके बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे देन आपके पैन एप्लीकेशन का आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि वो अभी बना है या नहीं और अगर बन गया है तो उसे मेरे एड्रेस पर डिस्पैच किया गया है या नहीं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आप पैन कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी स्क्रीनशॉट के थ्रू मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, और जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा।